एक दिन मेरी बाहों में तेरे ही सपने। दोस्तों ऐसा वीडियो बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। अब दोस्तों एप्लीकेशन को आप कैसे डाउनलोड करोगे उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और नाम एप्लीकेशन का क्या है वो पता कर सकते हो दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे जो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा एप्लीकेशन का, तो हमें क्या करना है यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना दोस्तों। अब न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों हमारे सामने। तो दोस्तों उस वीडियो को बनाने के लिए आपको एक वीडियो और 13 फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे एक वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे फ़ोटो 13 सेलेक्ट कर लेनी है। ऐड कर लेता हूँ पहले मैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक वीडियो ऐड कर ली है, अब मैंने पीछे का पार्ट डिलीट कर देना है। अब यहाँ पे इस प्लस पे क्लिक करना है दोस्तों। इस प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 13 फ़ोटो है उसको चूज कर लेनी है आपको 13 फ़ोटो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, अब ये 13 फ़ोटो यहाँ पे सेलेक्ट हो गई। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 13 फ़ोटो और एक वीडियो सेलेक्ट कर लिए मैंने। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, हमें जो पीछे का पार्ट है वो डिलीट कर देना है। पीछे का पार्ट डिलीट मैंने पहले कर दिया था। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड ऑडियो पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे लिखा हुआ ऐड ऑडियो, अब इस पर क्लिक करना। अब दोस्तों आपके पास क्या है, यहाँ पर मैं म्यूजिक आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूँगा, वहाँ से आप म्यूजिक डाउनलोड कर लेना। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना, और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर देता हूँ मैं। अभी दोस्तों यहाँ पर क्या करना, मुझे जो वीडियो है उसको इंपोर्ट कर लेना और उसका साउंड आ जाएगा ओनली। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट साउंड ओनली। तो दोस्तों यहाँ पे साउंड आ गया, देख सकते हो आप नीचे। अब दोस्तों आपको किस तरीके से सेट करना है इस वीडियो को मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आपको इसको बड़ा कर लेना थोड़ा, ताकि आपको पता चल जाए। दोस्तों यहाँ पर एक बीट आ रही है। अब दोस्तों इस फ़ोटो को, जो पहली फ़ोटो है, इसको क्या करना है आपको 0.5 पे कर लेना है। पहली फ़ोटो को 0.5 पे कर लेना दोस्तों, और दूसरी फ़ोटो को 0.5 पे कर लेना है। दोस्तों उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे फ़ोटो जो है पूरी सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे फ़ोटो पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे फ़ोटो पे चले जाना, आपको यहाँ पे फॉर्मेट पे चले जाना है। अब दोस्तों फॉर्मेट पर आपको इसको क्या करना है, यहाँ पर रिसाइज कर लेना है दोनों हाथों से पकड़ के। अब दोस्तों इस फ़ोटो को भी आपको यहाँ पर क्या करना है, इस फ़ोटो को भी आपको यहाँ पर रिसाइज पर कर लेना है। अब दोस्तों इस फ़ोटो को भी आपको इस तरीके से कर लेना बड़ी, और दोस्तों इस फ़ोटो को भी आपको बड़ी कर लेना यहाँ पे, और इस फ़ोटो को भी आपको बड़ी कर लेना ऐसे फॉर्मेट में जाके। तो इस तरीके से इसको सबको बड़ी कर लेता हूँ मैं। तो दोस्तों इस तरीके से सारी फ़ोटो को मैं बड़ी कर ली है मैंने यहाँ पे फॉर्मेट में जाके। अब दोस्तों क्या करना, मैं बैक आ जाऊँगा वापस। अभी दोस्तों क्या करना है इस फ़ोटो को, अभी दोस्तों यहाँ पे ये फ़ोटो इसको 0.5 पे कर लेना है, और इस फ़ोटो को 0.5 पे कर लेना है दोस्तों, और इस फ़ोटो को भी आपको 0.5 पे कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से मैं सारी फ़ोटो को 0.5 पे कर लेता हूँ यहाँ पे। और दोस्तों इस फ़ोटो को भी आपको क्या करना है, 0.5 पे कर लेना है। और दोस्तों इस फ़ोटो को भी आपको 0.5 में कर लेना है। दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पांच फ़ोटो है शुरू की, सॉरी दोस्तों जो यहाँ पे 8 फ़ोटो है आपकी, वो 0.5 पे करना है यहाँ पे। जैसे एक हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये छठी है, इसको भी यहाँ पे 0.5 पे कर लेना दोस्तों हमें। यहाँ पे ये 7वीं है दोस्तों, इसको भी क्या करना है, 0.5 पे कर लेना है।
और दोस्तों ये आठवीं है, लास्ट है, इसको भी 0.5 पे कर लेना है दोस्तों। हमें यहाँ पर 0.5 कर लिए। अब दोस्तों जो ये पीछे की फ़ोटो है, पांच बची हुई, उनको क्या करना है, 0.8 रखना है आपको। तो दोस्तों इसको मैं 0.8 रख लेता हूँ और इस फ़ोटो को भी 0.8 रख लेता हूँ। लास्ट की पांच फ़ोटो को आपको क्या करना है, 0.8 कर लेना है, 0.8 सेकेंड पर कर लेना आपको दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर सारी फ़ोटो को, पीछे की जितनी भी पांच फ़ोटो है, उनको 0.8 पे कर लेता हूँ। अब दोस्तों इस फ़ोटो को भी यहाँ पे 0.8 पे कर लेता हूँ मैं। और दोस्तों ये सारी फ़ोटो आ गई। अब यहाँ पे लास्ट फ़ोटो है, इसको जहाँ पे म्यूजिक ख़त्म हो रहा है वहाँ तक आपको कर लेना है। अभी दोस्तों आप देख सकते हो इस तरीके से आपने यहाँ पर इसको बराबर कर लिया। अब दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर आठ फ़ोटो हमारी लग चुकी है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, पीछे की तो पांच फ़ोटो 0.8 की रखनी है और शुरू की आठ फ़ोटो जो आपको फर्स्ट में मिलेगी उसको आपको क्या करना है, 0.5 पे कर लेना है। अभी दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे, अभी दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे, जो ये म्यूजिक आपके साथ लगा लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, फ़िल्टर लगाना है यहाँ पर इस फ़ोटो के ऊपर। तो दोस्तों आपके सामने इसके फ़ोटो पर क्लिक करने पर आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएंगे, नीचे स्प्लिट, एनिमेशन, डिलीट, रिमूव बैकग्राउंड। अब दोस्तों क्या करना, एनिमेशन पे क्लिक कर देना आपको। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, नो इंटरनेट कनेक्शन, कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड ट्राई अगेन। अब दोस्तों इस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन कैसे पता करोगे, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे चैनल पर एक वीडियो है और मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में वीडियो दे दूँगा। नो इंटरनेट कनेक्शन आपका फेल्ड हो रहा है, वो अपना ऐप ओपन हो जाएगा, तो वीडियो आप जाकर देख लेना, वीडियो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने तो जो आपको आई बटन और वीडियो में डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे को तो पता है, तो मैंने तो यहाँ पे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया। आप भी निकाल सकते हो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख के। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से मैं एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ। आप दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे नो इंटरनेट कनेक्शन नहीं आया और यहाँ पर जो हमारे सामने कुछ इस तरीके के ऑप्शन आ जाएंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉम्बो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कॉम्बो आप देख सकते हो, इस कॉम्बो पर क्लिक कर देना है और दोस्तों आपके सामने जो ये अफेक्ट आ जाएंगे, ये अफेक्ट तभी आएंगे, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख लेना, आप वहाँ से आप ला सकते हो, ऐसे नहीं आएंगे आपके। और जो ये एप्लीकेशन है वो कैसे डाउनलोड करें, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, इसे कॉम्बो पे चले जाना और यहाँ पे अफेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस वाले अफेक्ट को डिस्टॉर्ट राइट लिखा हुआ रहा है, इस पर क्लिक कर देना आपको। और दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके कर देना है। अब दोस्तों इस दूसरी फ़ोटो पे भी आपको क्लिक करना और यहाँ पे कॉम्बो पे क्लिक कर देना है। कॉम्बो पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से इस फ़ोटो के ऊपर भी डिस्टॉर्ट राइट पे कर देना है। अब दोस्तों इस फ़ोटो को भी ओके कर देना। दोस्तों इस तरीके से सारी फ़ोटो पे आपको, सारी टोटल जितनी फ़ोटो 13 उस पर सब पे लगा लेना है। तो दोस्तों मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सारे इफेक्ट लगा लिए हैं। अब दोस्तों आपको मैं यहाँ पे चला के दिखा देता हूँ, वीडियो कुछ इस तरीके का बनेगा हमारा, देख लो एक बार। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का हमारा वीडियो बनेगा। अब दोस्तों इस वीडियो को क्या करना है, हमें यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट कर लेना। तो यहाँ पे ऊपर ऊपर 720p है, तो इसको क्या करना है, 1080p कर लेना है और यहाँ पे 30 जो फ्रेम रेट आपको कर लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना, ऊपर यहाँ पे अपलोड का चिन्ह आ रहा है, मतलब एक्सपोर्ट कर लेनी है आपको। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो एक्सपोर्टिंग हो रही है। और दोस्तों विदाउट वाटर मार्क अप्लीकेशन आप कैसे डाउनलोड करोगे, वो आपको आई और बटन और डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप इस एप्लीकेशन को
और जो ये प्रॉब्लम आपके सामने आई थी इंटरनेट कनेक्शन वाली, वो दोनों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में और एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब दोस्तों वीडियो का फाइनल रिजल्ट मैं आपको गैलरी में जाके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे गैलरी ओपन कर ली है, अभी दोस्तों गैलरी ओपन कर ली है और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एल्बम में जाके आल पे क्लिक कर देता हूँ। आल पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखा देता हूँ। मेरी बाहों में तेरे हिस्से।